आईपीएल 2021 के 27वें मैच में सीनियर ऑलराउंडर किरण पोलार्ड ने शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के दम पर मुंबई इंडियंस की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर इस टूर्नामेंट में चौथी जीत दर्ज करी है। इस मैच में मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले चेन्नई को बल्लेबाजी का न्योता दिया। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा का गेंदबाजी करने का फैसला उस वक्त गलत साबित होता हुआ नजर आया जब चेन्नई की टीम ने पहली पारी में 200 के ऊपर का स्कोर बना दिया। शानदार रन चेज और ताबड़तोड़ पारी के दम पर मैन ऑफ द मैच किरण पोलार्ड ने इस बारे में बहुत ही बड़ा खुलासा किया है। किरण पोलार्ड ने 34 गेंद में 6 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 87 रन की शानदार नाबाद पारी खेली और मुंबई इंडियंस को मैच जिताने के लिए मैन ऑफ द मैच सीनियर ऑलराउंडर किरण पोलार्ड ने बहुत कुछ बड़े खुलासे किए। वहीं इस हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी बहुत कुछ बताया है, इस हार की बड़ी वजह बताई है। और जी हां, किरण पोलार्ड ने क्या कहा ये भी जानने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और साथ ही मैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में से आप किसकी कप्तानी को बेस्ट मानते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बता सकते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2021 के 27वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को 4 विकेट से हरा दिया गया है। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 218 रन बनाए जिसके जवाब में किरण पोलार्ड ने 34 गेंदों में 87 रन की अद्भुत पारी खेली और टीम को जीत तक ले जाने का काम किया। इस जीत के बाद खुद किरण पोलार्ड ने अपनी बैटिंग को लेकर और अंतिम ओवरों में किस तरह से टीम को जिताने को लेकर बड़ा खुलासा किया है, तो वही महेंद्र सिंह धोनी ने भी एक बहुत ही बड़ी बात कही है। तो आइए जानते हैं पहले धोनी ने क्या कहा। हार के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने कहा यह पिच बल्लेबाज के लिए काफी अच्छी थी, अहम मौके पर कैच गंवाए जिस कारण हमें हार का सामना करना पड़ा। गेंदबाज और भी अच्छी गेंदबाजी कर सकते थे और उन्हें इससे सीखना चाहिए। धोनी ने कहा इस विकेट पर हिट लगाना आसान था, इस तरह के टूर्नामेंट में आप जीतते हैं और कुछ करीबी मैच हारते भी हैं। हम इस समय अंक तालिका में जिस स्थिति पर हैं वहां हम एक समय पर एक मैच पर ही फोकस कर रहे हैं, हम अंक तालिका में कहां हैं इस पर कम ध्यान दे रहे हैं। धोनी ने कहा पोलार्ड ने हमें अपने बल्ले से मसल कर रख दिया, छोटे ग्राउंड पर अच्छी बल्लेबाजी पिच पर उसको फायदा होता है। कैरेबियन खिलाड़ी मजे के लिए बाउंड्री लगाते हैं, उन्होंने 17 गेंदों पर अर्धशतक बनाया और अकेले दम पर टीम को मैच जिता दिया। और करने वाली बात ये भी है कि फैब डुप्लेसिस ने 68 रन पर पोलार्ड का कैच छोड़ा जिसका खामियाजा उनकी टीम को भुगतना पड़ा। तो वहीं किरण पोलार्ड ने मैच के बाद कहा मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा, अंकल स्टीवन ने मुझे ताकत दी, आज खेलने के लिए अच्छा दिन था। चेन्नई ने मोइन को खो दिया, इसके बाद मेरे सामने तेज गेंदबाज ही थे जिन्हें सिर्फ हिट करना था, मैं वैसे स्पिनर्स को टारगेट करना चाहता था क्योंकि छोटे ग्राउंड पर आप इसका भरपूर फायदा उठाना चाहेंगे। पोलार्ड ने कहा कि कुछ छक्के हमेशा आपको गेम में वापस लाते हैं, इसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस होनी चाहिए, मुझे इसकी मदद मिली। मैं ये नहीं कहता कि मैं मिस्टर 360 डिग्री हूँ, लेकिन हाँ अधिक कोणों पर शॉट मारने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मुझे 6 गेंदों पर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी, यही दबाव आपके एक व्यक्ति के रूप में लेने की जरूरत है। पोलार्ड ने कहा आज दिन ठीक था, बल्ले पर गेंद काफी अच्छे से आ रही थी, इस दौरान मुझे फाफ ने मौका दिया, कुल मिलाकर एक अच्छे विकेट पर हमें जीत मिली, उम्मीद है कि यह हमें गति प्रदान करेगा। बता दें कि पोलार्ड के नाम पर सीजन का सबसे तेज अर्धशतक भी दर्ज हो गया है, उन्होंने मैच 17 गेंदों में 50 रन बनाए हैं और इसी के साथ वो आईपीएल इतिहास में 2 बार 17 गेंदों पर 50 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। कहीं ना कहीं किरण पोलार्ड ने फैफ डू प्लेसिस को भी धन्यवाद किया वो कैच छोड़ने के लिए, क्योंकि अगर वो कैच न छूटता तो शायद चेन्नई सुपर किंग्स की जीत होती। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।